आलिया भट्ट, यू आर वॉचिंग एक्सपोज इंडिया, कीप वॉचिंग। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए जारी हुई योजना गाजियाबाद में दम तोड़ रही है। ये योजना पूरे प्रदेश में 1 जनवरी 2017 को लागू की गई थी। पहली बार गर्भवती हो रही महिला को इसमें 3 चरणों में 5,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में गाजियाबाद सबसे पिछड़ा यानी कि 75वें रैंकिंग में आया। दरअसल जिले को 2 भागों में बांटा गया है, शहरी और ग्रामीण। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 महीनों में सिर्फ 1692 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें शहरी क्षेत्र से महज 70 हैं। स्वास्थ्य अधिकारी शहरी क्षेत्र में स्टाफ की कमी का रोना रोते हुए कहते हैं कि सभी सरकारी डिस्पेंसरी पर डॉक्टर के ना होने से फॉर्म वेरीफाइड नहीं हो पाता, जिस कारण ये परेशानी आती है। देखिए, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना एक पहले बच्चे पे दौरान दी जाती है, 3 किस्तों में इसमें पेमेंट किया जाता है। पहला एंटीनेटल चेकअप जब महिला आती है 150 उस समय दिया जाता है, दूसरा जब डिलीवरी के बाद, और तीसरा पहला जब उसका टीकाकरण का चक्र पूरा होता है बच्चे का। इसमें टोटल 5,000 रुपये का पेमेंट सरकार डायरेक्ट लाभार्थी के खाते में करती है, और इसमें हमारे यहाँ ऐसा कोई खास परेशानी नहीं है। अर्बन में थोड़ा सा ज़रूर कह सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ डॉक्टर्स की काफ़ी कमी है और अर्बन क्षेत्र हमारा काफ़ी बड़ा है।